हेलो एवरीवन, समस्त को वेलकम करुच्छे आमर क्लास डियर स्टूडेंट को। आशा करी आपण मैंने बहुत भलरे अच्छा आपण मानकर प्रिपेरेशन अपकमिंग सब एग्जाम पे बहुत बढ़िया से चली। सो चलो तो स्टार्ट करियो क्लास। दैट इज इंडियन पॉलिटी गोटे टॉपिक एंड आम आज डिस्कशन करवा चीफ मिनिस्टर उपरे। तले चीफ मिनिस्टर उपर जदि मु डिस्कशन करी कोटना कोटे आपण समस्त जानते आमर जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अछि, दैट मीन्स पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने आमर पार्लियामेंट रहिबो, देशरे गोटे पार्लियामेंट रहिबो एवं प्रति राज्य रे गोटे गोटे विधानसभा रहिबो, है ना। विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ आपनकर काउंसिल मध्ये। तो जो पार्लियामेंटरी सिस्टम रे आपण जे देखिवे राज्य रे आमर कोन होउछि, पार्लियामेंटरी सिस्टम रे आपनकर दी जण थांदि, स्टेट रे कौन था दी जन थी मेन हेड कि जड़े था चीफ मिनिस्टर, जड़े था गवर्नर, है ना। तो चीफ मिनिस्टर आ गवर्नर कथा आप समय जानते एवं जो गवर्नर आम ओडिशा अच्छा सी तो बहुत डायनामिक बढ़िया से कम कर प्रति एरिया बुलुंटी। आप गवर्नर को जानते ना टे कमेंट बक्स में लिखिदेवे। तो आम जी स्टेट देखा आम स्टेटर तेल मुख्य भाव चीफ मिनिस्टर था जड़े गवर्नर था, बट आम ये जी कह जो गवर्नर था युद्ध नोमिनाल हेड, नोमिनाल को नोमिनाल हेड मध्य कहते। नोमिनाल हेड मतलब गवर्नर जदिओ आम राज्यर हेड, बट नोमिनाल हूँ नाममात्र से शासन क्षमता, से जिओर कहते, डी जिओर एग्जीक्यूटिव भी डी जिओर एग्जीक्यूटिव कहते। तेल चीफ मिनिस्टर को कौन कहते ठीक से भाया जब चीफ मिनिस्टर कथा करवा रियल एग्जीक्यूटिव कहते, रियल एग्जीक्यूटिव है ना, रियल एग्जीक्यूटिव कहते। आप सारे रियल एग्जीक्यूटिव कौन देखो बाबू, रियल एग्जीक्यूटिव मैंने आमर तीन टा थाए, गोटे जुडिशियर थाए, गोटे लेजिस्लेटिव थाए, गोटे एग्जीक्यूटिव थाए, गोटे जुडिशियर थाए, आपको थ्री पिलर कहते है। तो आप समस्त जानते तो जुडिशियरी सॉरी लेजिस्लेटिव कौन करे आईन कानून व्यवस्थापिकता कहते, व्यवस्था करे प्रणयन मानने गढ़े तैयारी करे, एवं तो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव करे जहाँ आम कार्यपालिका कहचे, एवं ताकु जदि इंटरप्रिट करिबा कि भूल हेले न्याय दबा दंड दबा ए सब काम होचे आपनकर जुडिशियरी रो। तो एटी जो रियल एग्जीक्यूटिव माने वास्तव में आईन कानून बनेबा होचे आपनकर कहातर थाए चीफ मिनिस्टर कहातर थाए, बट गवर्नर तो आपनकर नोमिनल हेड हेतांती, सेति पई मध्ये आंकु आमर चीफ मिनिस्टर को मध्ये डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव मध्ये कहंती। एडा आपन माने भूलिबेनी कोन कहंती, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो ये आपण मैंने मन रखिपारे। देन आगे जिते जा अदर वर्ड रे जब मुझे सीधा आपन को सिंपल कह कौन कहीपर मुझे ये कहीपर कि आम जो चीफ मिनिस्टर था हेड अफ द गवर्नमेंट बा सरकार हेड कह सीएम हूँ कौन हेड अफ द गवर्नमेंट, हेड अफ द गवर्नमेंट कह। एवं अन्य पक्ष देखा गवर्नर को, गवर्नर को हेड अफ द स्टेट कह, हेड अफ द हेड अफ द स्टेट कहपर सिंपल। तो ये आप जान रखा कथा। तेल आगे जो आम जा कौटना कौटी आपर चीफ मिनिस्टर को विषय में जाना निश्चित भाव आपणकर देश में जमी प्राइम मिनिस्टर को पोजिशन थाए सेंटर रे, तो राज्य से भाया चीफ मिनिस्टर की आप पोजिशन थाए। तो आम जो देखा चीफ मिनिस्टर को विषय आपॉइंटमेंट देखा, तो चीफ मिनिस्टर को आपॉइंटमेंट वाइज मुझे देखा कौटना कौट ये आपर मुझे कह। एक्चुअली सत कथा तो है आमर संविधान रे कौन सी प्रकार प्रोविजन चीफ मिनिस्टर को आपॉइंटमेंट बा सिंपल हम कहीपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड द आपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आपण कह सर संविधान रे चीफ मिनिस्टर आउ आपणकर आपॉइंटमेंट हौ तांकर चीफ मिनिस्टर आपॉइंटमेंट किबा विषय तो किसी ना, तो आम केमती कौन करवा पे जदिव संविधान रे आपणकर किसी ना, बट मुझे आपको कह आम गोटे आर्टिकल, आर्टिकल 164 अच्छे 164। तो आर्टिकल 164 रे कहा जाए कौन जे गवर्नर कौन कर, गवर्नर कौन कर विल अपॉइंट सॉरी
ଏମିତି ଲେଖିବାନି, ଆମେ 164 ଆର୍ଟିକିଲ୍ କହୁଛି କି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ବାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାରା, ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ କିଏ ପଚାରେ କି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ଯଦିଓ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କିଛି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ, ବଟ୍ 164 ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ରାଇଟ୍। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ କି ଭାଇ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବନି, ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏନି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଜ୍ ନୋ ପାୱାର ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏନି ପର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଅଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟରେ ଥାଏ, ସେଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ପାର୍ଟି ବା ମେଜରିଟି ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ମେଜରିଟି ପାର୍ଟି है ना, जो मेजोरीटी पार्टी थाए ना, तो से मेजोरीटी पार्टी रो हेड को मेजोरीटी पार्टी हेड आपणकर कौन हेबे, आपणकर हेबे कौन, आपणकर सीएम हेबे बा अपॉइंटमेंट हेबे सीएम। आपणको ये मेजोरीटी पार्टी माने कौन, देखो मु आपणको सिंपल गोटा कथा बतौची है ना। तो कौन हेच एक्चुअली आमर मनकर ओडिसा कथा देखिबा हैला, ओडिसा तो ओडिसार आपण जानचंती आम टोटल विधानसभा 147 सीट अच्छी ହେଲା। ତ 147 ତ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ କହୁ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ପାଇଲେ ବା ମେଜରିଟି ହେଲେ। ଲେଟ୍ସ ଆମେ 147କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାଟିଦେବା, 146 କରିଦେବା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2, ୟୁଜି 7 ୟୁଜି 3, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 74 ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲ 1 ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 74 ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 74 ପ୍ଲସ୍, ଯଦି 74 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ପାଉଛି 74 ପ୍ଲସ୍ ସିଟ୍ ଯଦି କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବ କୌଣସି ଦଳ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଦଳର ମୁଖିଆକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି, BJD, ରାଇଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ BJD 113 ପାଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 74 ଠାରୁ କେତେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଓଭିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଆପଣଙ୍କ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସିଏମ୍ ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସ ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଏମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ସାର୍ ଯଦିଓ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଜ୍ ଟୁ ଫଲୋ ସମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସମ୍ ରୁଲ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜରିଟି ରୁଲ୍ସ। ଦ ମେଜରିଟି ରୁଲ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ ପାର୍ଟି ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ସିକ୍ୟୁର ଦ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବା ଦ ମେଜରିଟି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ହ୍ୱିଚ୍ ଡୋମେନ୍ ଦ ମେଜରିଟି ମେଜରିଟି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ମେ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ସିଏମ୍ ବାଏ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଆପଣ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯଦି ଯିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ, ଆର୍ଟିକେଲ୍ 164 କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଚ୍ଛା। ବଟ୍ ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିବ କି ସାର୍, ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ପାଇଲେନି, ଲେଟ୍ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦଳ 74 ପ୍ଲସ୍ ସିଟ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ନୋ ମେଜରିଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ନୋ ମେଜରିଟି ଫାଉଣ୍ଡ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ସାର୍, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ସାର୍ ଯଦି ମେଜରିଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ବା କେମିତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାୱାର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଲିଡ଼ରକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଯାଇକି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି ହଁ ମୋ ପାଖରେ, ସେ କେଉଁଠୁ ଅଲଗା ଦଳରୁ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଅଲଗା ଦଳରୁ କିଛି ବିଧାୟକ ଆଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଡ଼ିକିନି ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି ହଁ ମୋ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଛି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମେଜରିଟି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମେଜରିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର
लेजिस्लेटिव आसेंबली जो अच्छी विधानसभा है तो यहाँ करा पड़ो हो पारे बेले बेले कौन हुए क्वालिशन गवर्नमेंट भी हो जाए बेले बेले यही सेगमेंट क्वालिशन गवर्नमेंट हुए क्वालिशन गवर्नमेंट हो जाए सर क्वालिशन गवर्नमेंट मैंने कौन क्वालिशन गवर्नमेंट मैंने आपणकर मिलाजुला सरकार बा आपण मानकर मनकर जणे किए पाइथ 30टा सीट जणे पाइथ किए 20टा सीट आउ जणे किए पाइथ 40टा सीट ए तीन जन जदि मिसि आउचंति कोना कोठी आपण मिसिकी आपणकर 90टा सीट टोटल होचंति त 90टा माने कोन सर 74टा ऊपर गेला त ए माने तीन जन मिसि सरकार करंति आकु क्वालिशन गवर्नमेंट बा आकु मेंटो सरकार कहंति बा क्वालिशन माने आकु मेंटो सरकार कहंति आपण मिली मिसिकी जोटा आपण कहंति मेंटो सरकार हेथाय एटा आपण माने बुझिबा कथा बुझिपारे ओके आगू जावा तो एमती ही आपर हो अच्छा जदि पे आप कौन हुए जदि इन केस ऑफ चीफ मिनिस्टर जी था डेथ हो जाए है ना डेथ हो जाए आपणकर डेथ हो जाए तो से भाई कथर कौन हुए तो डेथ हो जाए आपणकर दुखद विषय आपणकर डेथ हो जाए जो आपर कौन हम एटा दुख हाँ ये दुख जो डेथ हो जाए ना तो से कौन हुए तो से नर्माल कौन हुए से मैंने सरकार दल भितर सरकारी दल जो नेता था क्या भी गोटे कौन करती आपणकर चीफ मिनिस्टर भाव में आपइंटमेंट कर दिखती है ना एवं परवर्त समय जाकि प्रूफ से संख्यागरिष्ठ प्रमाण दे दिखती कि हाँ आम पाखे संख्यागरिष्ठ अच्छी तो एमती ही होता है हैला तो गवर्नर आपणकर ए पावर अच्छी आपण ये मन रखिए किंतु मुझको आउ टे आगे नहीं बतेवा चाहिए पे जितेबाला आम कथा हूचे क्या विषय में कि कन्स्टिट्यूशन विषय में कि कन्स्टिट्यूशन जो आम अच्छी संविधान अच्छी संविधान में डज नॉट रिक्वायर द पर्सन मस्ट प्रूव मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली मन कर पे गोटे कथा उठू सर मुझान कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेंबर नुह तो आम कहीपर कौन मुझ चीफ मिनिस्टर हो पारि कि कौन मुझ चीफ मिनिस्टर हो पारि मुझ चीफ मिनिस्टर हो बट मत छस भितर सिक्स मंथ भितर मत कौन कर पड़ो ना आप कौनसीना कौन सी जगार आपण कौन हम मत इलेक्शन ठिया है कि लड़की जीती है कि देखा पड़ो है ना तो जमीक आपंकर वेस्ट बेंगल कथा कहि मुझे वेस्ट बेंगल कौन होता पूर्वथर इलेक्शन में जो ममता बानाजी थे ये हारीगले ये जीति पारे फिर भी चीफ मिनिस्टर है ना कि चीफ मिनिस्टर है कौन हम ना चीफ मिनिस्टर है कौटी जगह छस भितर आपणकर मुख्यमंत्री हबार छस भितर आपण को कौट गोटे इलेक्शन लड़की जितिया को तो पड़ो ना चीफ मिनिस्टर पद पलैब तो ये आपण को बुझे पड़ो ता छड़ा मु आउ गोटे जो कथा आपन को कहली एवं कि चीफ मिनिस्टर आपणकर कौन सार संख्यागरिष्ठ प्रमाणपत्र आगे देवा पड़ो तापर चीफ मिनिस्टर हो पड़ो ना आगे चीफ मिनिस्टर होकी संख्यागरिष्ठ प्रमाण देव पड़ो पे आगे चीफ मिनिस्टर हो चीफ मिनिस्टर आगे अपॉइंटमेंट गवर्नर करदेव तापर गोटे डेट फिक्स हे आई दिन से परवर्त समय जाए कौन कर पे आपण मानक संख्यागरिष्ठ प्रमाण देवा पड़े मेजोरीटर प्रूफ देवा पड़ो विधानसभा ये हूँ प्रोसीजर तो एमती पे आपर के पे आपण को मुझे कह पे महाराष्ट्र में कौन होता महाराष्ट्र में एवं रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस आपंकर चीफ मिनिस्टर तो सी पे आपर कौन है चीफ मिनिस्टर आगे आपॉइंटमेंट कर दिगला तापर से जो आप गले कौटी पे आपर जा पहुँचे कौटी पहुँचे जाते विधानसभा पहुँचे से संख्यागरिष्ठ प्रमाणपत्र पारे हाथ में संख्यागरिष्ठ ना जी दरकार संख्यागरिष्ठ अधारू अधिक से प्रूफ कर पारि नथिले तेणुक मात्र कई घंटार 20 घंटा ना 25 घंटे से कौन हो गले मुख्यमंत्री पद पड़ेगा से तो पेपर में बाहर 20 घंटा ना 12 घंटार सरकार 12 घंटार मुख्यमंत्री एमती तो पेपर में बाहर कहीं 12 घंटा भितर से प्रूफ दे पार नथिले से भाया पिला एबे आपणकर नीतीश कुमार कथा आपण जानते बिहार में कौन है बिहार कौन है ना सी कौन कले मेट करते आपणकर सरकार मेट करके मुख्यमंत्री थे बट तक सहित मेट पे छाड़देले से सरकार पदर रिजाइन दे कहीं मेट छाड़देले मैंने संख्यागरिष्ठ ना सीट से ना अधार अधिक तेणुकर सी जाए मुख्यमंत्री पदर रेजिग्नेशन दे इस्तफा दे पुणी आसिक बीजेपी जो अच्छी भारतीय जनता पार्टी सागर मिसिक कौन कले बीजेपी आरजेडी दल ई आपर मिसिक कौन कले आपण संख्यागरिष्ठ प्रमाण दे पुणी से पुणी चीफ मिनिस्टर भाव में आपॉइंटमेंट हेले बिहार में यही रिसेंटली 2-3 दिन तलर कथा तेल ये हूँ आपणकर प्रोविजन है ना तो आपण मैंने मन रखी पारे है ना तो आम बर्तमान देखा कि चीफ मिनिस्टर शपथ पाठ देखा ओथ तेल ओथ कथा जब देखा ओथ एंड तांकर पिला माने मु कह देबी कोन टर्म आउट हाउची सैलरी
प्रथम तो ओथ आपर सी आप शपथ पाठ कराते तो शपथ पाठ किए करेंगे ना गवर्नर ही शपथ पाठ करेंगे चीफ मिनिस्टर को जी अपॉइंटमेंट है सी शपथ गोटे नि आम भारतीय संविधान प्रति सी फेथफुल रे सी सोवरेनिटी आउ इंटीग्रिटी जो अच्छे सार्वभौमता अखंडता प्रति सी मान निष्ठार सहित कम करेंगे सी आपणकर निश्चित निष्ठार सहित सीता ड्यूटी संपादन करेंगे हाँ विदाउट एनी फियर एंड फेवर तो ये सी आपर शपथ पाठ करती गवर्नर शपथ पाठ कराती परवर्त समय जब आम देखा कौटना कौटी पे जो आम अच्छी कौन जो कौन रहा टर्म रहा एक्चुअली आपणकर टर्म आपर कि मेनसन ना आप सर ये कि कथा चीफ मिनिस्टर तो पांच वर्ष रहा आ पांच वर्ष एवं हाँ जाऊँच दुई मस पर इलेक्शन हम पुणी आउ थे चीफ मिनिस्टर बोधे हुए नवीन पट्टनायक किए हे तो आम जानू बट कथ उठू आपमी कही दौरान किसी सेमती टर्म ना ना पाने चीफ मिनिस्टर को सेमती किसी टर्म ना अर्थात चीफ मिनिस्टर आम जो टर्मटा पांच वर्ष कौन से विधानसभा जो निर्वाचित होती से पांच वर्ष आपण रही था कि चीफ मिनिस्टर जदि चीफ मिनिस्टर पांच वर्ष तेल बिहार में पांच वर्ष पूरी कहीं चीफ मिनिस्टर भांगीगला जदि पांच वर्ष पे सेमती किसी न था अर्थात सी कौन करती गवर्नर को फ्लेजर रही था गवर्नर को फ्लेजर मैंने गवर्नर को दया करती हाँ आज्ञा गवर्नर जितक दिन चाहिए से रे गवर्नर जो बाहर करदे से दिन चीफ मिनिस्टर बाहरी जी कि कथा हूँ गवर्नर चीफ मिनिस्टर को मनईच्छा बाहर करेंगे कि आज्ञा नाई गवर्नर चीफ मिनिस्टर को मनईच्छा बाहर करेंगे ना तो गवर्नर को जदि जो मंत्री मैंने सपोर्ट दे कि जो मंत्री मैंने जो नेता मैंने जो मैंने जीतिकी जाइंट विधानसभा को से जेहेतु पे गवर्नर को जाए कहले कि आज्ञा नवीन पट्टनायक कौन चीफ मिनिस्टर को आम आपको सपोर्ट करुच्छ आम दल संख्यागरिष्ठ पाई एक आम यो एक्स लोक को वाई लोक को आम आम दल मुखिया आम भाई नहीं आपको चीफ मिनिस्टर कराऊ चीफ मिनिस्टर से अनुसार गवर्नर करते कि लोक मैंने जाए लेट से आपंकर कहे एवं 113 आपंकर किसी क्षण में भावतु आम माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो अच्छी सपोर्ट अच्छी बोली सी मुख्यमंत्री मनकर 113 जन रु 80 जन जाए कहीदेवे पे कौन कि आज्ञा आम आज सपोर्ट करूना से भाई जगह बाहर कर दिंतु से स्थल गवर्नर ताकि रिमुव करेंगे ना गवर्नर पावर ना चीफ मिनिस्टर को मुव करने रिमुव करने बुझीपारे तो ये हूँ आपर कथा एवं आम देख अच्छा सालरी कौन सालरी एक्चुअली डिटरमिन करे सेमती भारी करे सालरी स्टेट टू स्टेट सेमती किसी फिक्स सालरी न था जमी आप राष्ट्रपति सालरी फिक्स था एम सब था बट न था बट स्टेट टू स्टेट भारी करे एंड ये जो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था राज्यर जो विधानसभा था से राज्यर विधानसभा ही तय करता है ठीक करता है कि चीफ मिनिस्टर को केते सालरी मिल सहित से चीफ मिनिस्टर जी भी हमें पे जावास खर्च तर गाड़ी जो जीव तर जो कन्भय जीवर जो टेलीफोन बिल तर रहा सब खर्च बहन कर मेडिकल फैसिलिटी ये सब बहन कराई थाए तो बर्तमान देखिए आम कौन कि आपर चीफ मिनिस्टर को काम कौन एंड फंक्शन कौन मुझको सर्ट्रे बतेबी पे अलरेडी मुझे लिखिदेगी किसी आपंकर जो चीफ मिनिस्टर था रोल कौन वाकर फंक्शन कौन से विषय मुझको अलरेडी मेनसन करदे तो से विषय आम बर्तमान देखा तो चीफ मिनिस्टर मुख्यतः आपंकर गोटे क्रुशियाल रोल प्ले कर गवर्नमेंट रे सो कौटना कौटे आम देखा आम हेड अफ द स्टेट गवर्नमेंट कौ था अर्थात राज्य सरकार सी होती मुखिया कारण चीफ मिनिस्टर कौन हेड अफ द स्टेट गवर्नमेंट कारण सी कौन करती रेस्पन्सिबल रहा फर द ओवरअल आडमिनिस्ट्रेसन अफ द स्टेट अर्थात राज्य जो प्रशासन चली जो शासन चली सबूर सी हर्ताकर्ता दैव विधा भाई होता है से हेड अफ द स्टेट कह एक्जिक्यूटिव अथॉरिटी कहुए आपको बार बार कौन एक्जिक्यूटिव मैंने जी आईन को कार्यकारी करती तो से जो मैंने भी आईन को कार्यकारी करती अथॉरिटी आप जो भी नीति नियम लागू कराए तार सुप्रीम अथॉरिटी आप चीफ मिनिस्टर हिंसा तेणुक आज सी जपर आप आज द हेड अफ द एक्जिक्यूटिव द चीफ मिनिस्टर एक्सरसाइज करती एक्जिक्यूटिव पावर को एवं रेस्पन्सिबल रहा जहाँ भी लॉ इम्प्लीमेशन हुए इम्प्लीमेंट हुए आपंकर स्टेट रे कि जहाँ भी पॉलिसी आपंकर इम्प्लीमेंट हुए भल हेले दायित्व खराब हेले भाई से तांकर दायित्व तो ये आपने जानपारे से भाई तीन नंबर जी देखा कैबिनेट रे लीडर रही था ओब्वियसली सी जेहेतु चीफ मिनिस्टर था से काउनसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल मुख्य होती मंत्रिमंडल आपंकर जेहतु मुख्य होती टुगेदर समस्ते मिसी मंत्री मैंने मुख्यमंत्री और अन्न्य मंत्री
पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती एवं डिसीजन विभिन्न प्रकार रही था एवं ओवरऑल आम कहीपर एडमिनिस्ट्रेशन से रेस्पोंसिबल रही था से आम कैबिनेट लीडर कही था कैबिनेट बिना आपर बिना परामर्श में किसी आपंता परामर्श ना पड़ी थाए से आम जो कह नेक्स्ट कौन ना पॉलिसी फॉर्मुलेशन सर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कौन देखो जेहेतु चीफ मिनिस्टर होती गोटे एक्टिवली इनवॉल्व आम पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता कौन सी प्रकार पॉलिसी है कौन सी प्रकार प्रोग्राम है प्रोग्राम है एड्रेसिंग करवा कि कौन सी प्रकार भारियस भारियस इश्यू जदि से इकोनोमिकल डेवलपमेंट कथा कहतु से सोशल वेलफेयर कथा कहतु से एजुकेशन कथा कहतु से हेल्थ कथा कहतु ता रिलेटेड जहाँ भी पॉलिसी आसला आपर से फॉर्मुलेट करती चीफ मिनिस्टर आपन को सर विजु स्वास्थ्य कल्याण आमर अच्छी कौन ए पॉलिसी फॉर्मुलेट कर नवीन पटनायक कि बिल्कुल आज्ञा आज्ञा आमर ये पे सोशल आप एस एच जी महिला ग्रुप अच्छा मिशन शक्ति अच्छी आपण मानकर स्टार्टअप ओडिशा अच्छी ये जिते भी नीति नियम फॉर्मुलेशन हो सब पे आपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन चीफ मिनिस्टर को भूमिका रही था से पे आपर लेजिस्लेटिव रिलेशन जो देखा आपन कही रखे लेजिस्लेटिव मैंने जो मैंने नीति नियम बनाती आईन को व्यवस्था को स्थापन करती व्यवस्थापिका आम लेजिस्लेशन कहू लेजिस्लेशन से लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव रिलेशन कौन ना चीफ मिनिस्टर कौन करती क्लोजली वर्क करती स्टेट लेजिस्लेचर एवं प्रेजेंट करती गवर्नमेंट पॉलिसी को आ जो मैंने नीति नियम जो या से आपंकर पॉलिसी को तैयारी करती से मैंने जिते बड़े आपणकर विधानसभा लेजिस्लेटिव आपंकर डिस्कसन हुए डिबेट हुए सी से पार्टिसिपेट करती लेजिस्लेटिव को आप्रुवाल मागंती तांको किंवा कौन सी प्रकार डिसीजन हो बिल हो ये सब मुख्यमंत्री आपणकर करकमल होर निर्देश और आदेश अनुसार हीता सब आउट गुरुत्वपूर्ण कोऑर्डिनेशन विथ सेंट्रल गवर्नमेंट आज आप देखते आज केमी आपर मोदी मोदी माननीय प्रधानमंत्री मोदी आज संबलपुर मुख्यमंत्री जाइंस संबलपुर अर्थात माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आम सिंपल से कोऑर्डिनेशन गोटे रही समन्वय रहे आप जानते बन्या आसला बात्या आसला मरुड़ी आसला जेकोसी पांडामिक जो होता तो यही समय कौन हुए राज्य केन्द्र भितर समन्वय रक्षा करी से प्रकार कार्य करोसी समय जदि केन्द्र सहित कोऑर्डिनेशन रक्षा करने पड़े से आपंकर चीफ मिनिस्टर हिंसा से क्राइसीस मैनेजमेंट देखो आपर जमी आपड़े एक्जामपल देवी बन्या आसला बात्या आसला हुड हुड फाइलिन फ्लड कि ट्रेन एक्सीडेंट जो होता आप बाहनगारे तो से समय चीफ मिनिस्टर कौन करते कौन से क्राइसीस आसिले से क्राइसीस को मैनेज करती केमी कौन हम केमी लोक रेस्क्यू कर आंबुलांस कौटू आसो अक्सीजेन कौटू आसो मास्क कौटी जो वैक्सीन क्या दिज्व ये सबूर एक्चुअली मीटिंग किए नि आपर चीफ मिनिस्टर ही नुंती क्राइसीस मैनेजमेंट से कहुए ड्यूरींग द इमरजेन्सी सिंपल आम कहीपर ड्यूरींग द टाइम अफ इमरजेन्सी और क्राइसीस चीफ मिनिस्टर टेक् लीडिंग करती से लीड करती आगे रही विभिन्न प्रकार सिचुएशन को से भाई आप नेक्स्ट कह पाने रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट स्टेट को रिप्रेजेंटेशन कर ओब्वियसली पे आम चीफ मिनिस्टर जी भी हम जो कौन से राज्यर से पूरा राज्य को सी रिप्रेजेंट करती से विभिन्न प्रकार नेशनल इंटरनेशनल प्रमोटिंग हो आपन जब चीफ मिनिस्टर जाइंट आपर अमेरिका को कि दिल्ली को बम्बे को सी आम ओडिशा को ही रिप्रेजेंट करता बजेट को आप्रुवाल करते बजेट आसव बजेट पे कौन आप हम बजेट कौ विभाग को टाँग दिज्व नारी शक्ति के एजुकेशन विभाग को कते टंका व्ययबरत करा आपणकर शिक्षा विभाग को दिज्व ये सब प्रकार जो आपर व्ययबरत हुए बजेट हुए आपको आप्रूव करती किए समस्ते तो जो मंत्री मैंने थोड़ी कनसर्न डिपार्टमेंटर से दिखते बट आप्रूव कला लोक हूँ मुख्यमंत्री और सबुठ गुरुत्वपूर्ण हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप कहुए तो चीफ मिनिस्टर आप्रूव करती लीडरशिप टू स्टेट ब्यूरोक्रेसी जो अच्छी आपर गाइडलाइंस फर्मुलेसन करती पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करती इफेक्टिवली एनश्योर करती कि गवर्नमेंट आपर ठीक ठाक चली एंड गुड गवर्नेंस इज गोइंग ऑन इन स्टेट दैट शुड बी एनश्योर बाय द आपर कह चीफ मिनिस्टर तो कौटना कौटि ये आपर चीफ मिनिस्टर कार्य होता है आशा करेंगे आपको बुझीपार समस्त पे जी आप बुझीपार आपको लगुच कि ये भिडियो द्वारा आप किसी हेल्पफुल हम आप लाइक कर दिंतु निश्चित भाव लाइक कले एक्चुअली सत कथा कि भल लगे पे कि जाते पे आपर लाइक करगक आगक भिडियो बनवाक मोटेसन लगे तो चलतु नेक्स्ट क्लास देखा हाँ थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल डिसमिस्ड।